हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। अभी सुबह का 10 बज रहा है और मैं कहीं पे जाने वाले हूँ और मैंने तो आपको बोला ही था। और मैं आज मैं जा रही हूँ ग्वालपाड़ा, मेरा ननन का घर, और अभी जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और ठीक है, हम बाद में मिलते हैं आप लोग से। आज मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी गुवाहाटी टू दुधनो तक जर्नी का पूरा रास्ता दिखाऊंगी। और अभी मैं आप लोग तो बोला ही था, मैं अभी ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दुधनो पहले पड़ती है, फिर बाद में ही ग्वालपाड़ा आती है। हम दुधनो में उतर दूँगी और मेरा मतलब ननन का घर दुधनो में ही है। ये फ्लाईओवर है गुवाहाटी का गणेशगुड़ी, अभी हम फ्लाईओवर पहुंच गए हैं। हम गाड़ी से आ रही है और दुधनो के लिए गाड़ी से आ रही हूँ हम लोग। अभी हम गुवाहाटी में ही हैं और गुवाहाटी शहर में अभी हम लोग जा रही हूँ। और गुवाहाटी के बाद जो यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी का यूनिवर्सिटी इसी तो कि गुवाहाटी में ही, शहर में ही होगा, इसके बाद दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। और आप लोग को मैं ऐसे ही दिखा के जाऊँगी कि कौन जगह कौन है, बाहर का जो है मुझे नहीं मालूम, आप लोग को सिर्फ दिखा के जाऊँगा पूरा रास्ता जितना हो सके मेरे से। गुवाहाटी के बाद आप लोग को सब ग्रीन ग्रीन ही दिखाई पड़ेगा और कितना सुंदर जगह है। और आप लोग बोलते हैं असम घुमाओ, असम का जितना हो सका आप लोग दिखाओ, मैं दिखाने के लिए इस ब्लॉग में असम कितना सुंदर है दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ही रोड है। अभी हम यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी है और इतना ये बस का स्टॉप ही है, सभी जगह का बस इधर आके ही उधर उधर से जाता है, इसलिए बहुत बस के वजह से और आपको पूरा यूनिवर्सिटी दिखा नहीं पाऊँगी। देखिए कितना बस आ गया है। और ये है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बाद ही मतलब गुवाहाटी शहर ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जगह शुरू हो जाएगा। और देखिए कितना पेड़ पौधे और कितना ग्रीनरी है, आप लोग को दिखने के लिए शायद मिल गया है। इस जगह का नाम है डिपरबिल, ये देखिए और कितना पानी और कितना ग्रीन ग्रीन है और कितना सुंदर जगह है, देखने के लिए भी कितना सुंदर है और आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। इस रास्ता का दोनों तरफ से साल ट्री से और साल ट्री से बहुत अच्छा उठ मिलता है। और देखिए कितना सारा साल ट्री से, और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ रास्ता भी कितना सुंदर है और कितना ग्रीन ग्रीन है। मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ, देखने में भी कितना सुंदर लग रही है। और बहुत ज़्यादा साल्टीज मिलता है इस एरिया में।
और यही पर मतलब रास्ता का किनारे में आप लोग को बहुत सारा राइस फील्ड देखने के लिए मिल जाएगा, और आगे भी है। ये मैं फर्स्ट टाइम ही अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, आगे और भी बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा राइस फील्ड। ये जो आप लोग सब देख रही है ये राइस फील्ड है, और यही से राइस बनती है। अभी छोटा छोटा है, इस सीजन में ही राइस को ज़मीन में उगाती है। हम लोग तो अभी पहुंच चुकी है, और मैंने आप लोग को थोड़ा सा आसाम का जो ग्रीनी ब्यूटी देखा ही दिया छोटा सा। और आसाम का तो सभी जगह ग्रीनी है, बहुत सुंदर है। आप लोग ने मैंने बोला था दिखाने के लिए, मैं जितना हो सका मुझसे दिखा दिया, और मैं ये दूधनोई का एरिया मैंने आप लोग को अभी दिखा रही हूँ। और इतना गर्मी भी है, मैं थोड़ा सा पानी भी पी लिया, और अभी हम मेरा ननन का घर पहुँच ही जाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आके मेरा ननन के घर में पहुंच गई हूँ, आके खाना पीना खा लिया है। अभी शाम होने वाले ही है, और बाहर पूरा अंधेरा जैसा ही हो रहा है। मैं बहुत रास्ता में मैंने बहुत शूट करके लेके आया हूँ इस जगह का, गुवाहाटी टू दुधनोई। आप लोग को ब्लॉग में देखने मिल जाएगा। आज का ब्लॉग में यहीं पे करना चाहती हूँ। आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और फिर मिलूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज मैं थक भी गया हूँ, इतना दूर सफ़र करके आया हूँ, और अभी अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है। और ठीक है, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।